रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि अगर सपोज करो मैं आपसे ये बोलूं, या मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको करवाई दिया, मैंने आपको ये समझाया कि अगर सपोज करो कोई वेक्टर है पी वेक्टर, और अगर मान लो एक वेक्टर है क्यू वेक्टर, दोनों 90 डिग्री पे मान लो, और मैंने कहा इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो आपने पैलोग्राम ड्रॉ किया और पैलोग्राम से ये रिजल्टेंट लगा दिया आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। कोई डाउट इसमें? आंसर आ गया। ऐसे ही कर रहे हो, दो वेक्टर मैं देता हूँ, नया वेक्टर रिजल्टेंट आप निकालते हो। अब मैं उल्टा बोलूँगा, आप मुझसे रिजल्टेंट ले लो, आर वेक्टर मैं दूंगा, तुम उसमें से पी वेक्टर क्यू वेक्टर निकाल के दिखा दो। देखो ये उल्टा प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दो वेक्टर को मिलाना ईजी है, उसमें से तोड़ना इतना ईजी नहीं होगा। तो मैं आपको सिर्फ आर वेक्टर दूंगा, मैं कहूँगा ये लो आर वेक्टर, तुम मुझे बताओ कि इसमें से जो दो वेक्टर निकलेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी और वो आर वेक्टर के साथ कैसे रिलेटेड होंगे। तो उल्टा काम है, इस उल्टे काम को जिसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर को तोड़ के या किसी भी वेक्टर को तोड़ के दो नए कॉम्पोनेंट्स निकलते हैं, इन दो नए वेक्टर्स को बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स। तो इनके जो दो कॉम्पोनेंट्स निकलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिवर्स है एडिशन ऑफ वेक्टर का। एडिशन में दो वेक्टर गिवन है, एक निकालना है, इसमें एक गिवन है, दो निकलेंगे, उल्टा काम है। तो ये देखो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को तोड़ा जाएगा इनटू टू और मोर वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर में भी टूट सकता है और वो तीसरे में भी टूट सकता है। तीन में 3D हो जाता है, इसको डिस्कस नहीं करते, 2D समझना इजी है। तो एक वेक्टर को दो वेक्टर नए वेक्टर्स में तोड़ना इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड अफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर। मतलब अगर मैं उन्हें जोड़ दूं, जो दो वेक्टर आपने निकाले उन्हें जोड़ दूं, जो नया वेक्टर है वो जो काम करेगा, ये दो वेक्टर भी वही काम करेंगे। मतलब इंस्टेड कि आप रिजल्टेंट वेक्टर लें या पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर लें, या पी वेक्टर क्यू वेक्टर लें या रिजल्टेंट वेक्टर लें, बात एक ही है। मतलब दो अलग अलग वेक्टर लेंगे तो पी क्यू लें, एक वेक्टर लेंगे तो आर लें, या उल्टा भी ट्रू है, एक वेक्टर लें आर वेक्टर, उसको तोड़ के पी क्यू निकाल दें तो भी एक ही बात है। तो मतलब कि इनका जो कंबाइंड अफेक्ट है, इन शॉर्ट इसको ऐसे भी समझाया जा सकता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है तो आर वेक्टर देगा, और आर वेक्टर को तोड़ के पी वेक्टर क्यू वेक्टर देगा, सच दैट जब पी और क्यू को मिलाएंगे तो वापस क्या मिलना चाहिए, आर वेक्टर फिर से मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में दी वेक्टर इनटू व्हिच अ गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड, तो एक वेक्टर जब तोड़ा गया दो या तीन वेक्टर्स में, उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, नए वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए एक तरीका है, क्या तरीका है, मेथड ये है कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, ठीक, मान लो इस वेक्टर का नाम है पी वेक्टर, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स मुझे बनाने हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का एक बड़ा फिक्स रूल है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है या जो इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे, वो रूल है फिजिक्स का, वो हमेशा आपस में 90 डिग्री पे ही निकलेंगे। तो जब एक वेक्टर के दो कंपोनेंट निकलते हैं तो वो 90 डिग्री पे ही एंगल बनाते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकलते हैं। जैसे पी वेक्टर का अगर मुझे कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे निकालना है और वाई एक्सिस पे निकालना है, एक्स पे जो नया वेक्टर निकलेगा, वाई पे जो नया वेक्टर निकलेगा, उनके बीच में ऑटोमेटिकली एंगल क्या होगा, 90, ठीक है। तो निकलेगा कैसे, उसका एक रूल है फिजिक्स का, रूल ये है कि एक वेक्टर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स के ऊपर 90 डिग्री पे, ऐसे कर दिया ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो वेक्टर आएगा, ये वाला, ये इसका कंपोनेंट वेक्टर होगा, इसका नाम है पी एक्स वेक्टर। तो कुछ नहीं है, इस पी वेक्टर का कई लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया, कई लोग बोलते हैं शेडो ले ली, ऊपर देखो लाइट मार के देखो नीचे शेडो नीचे गिरेगी, तो ये शेडो ले ली, इसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पी वेक्टर है। नेक्स्ट है, इसी के अंदर अगर आपको कंपोनेंट वाई पे बनाना है ड्रॉ परपेंडिकुलर,
ये बनाने पे एक वेक्टर जो यहां बनेगा प्रोजेक्शन, इसका नाम है पी वाई वैक्टर। तो ठीक है, तो पी वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर निकलाया, पी एक्स वेक्टर, पी वाई वेक्टर, और उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं आपको कहूं कि एक पी एक्स वेक्टर एक पी वाई वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप एक वेक्टर ए वेक्टर क्या बना पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बोलो, पी एक्स वेक्टर प्लस पी आंसर। तो यानी कि जोड़ेंगे तो पी वेक्टर आएंगे आएगा, तोड़ेंगे तो पी एक्स और पी वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तरीका है कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने का। जब कॉम्पोनेंट्स बनेंगे तो पैलोग्राम बनेगा, रादर रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। इसलिए इन कॉम्पोनेंट्स का नाम है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि हमेशा ये रेक्टेंगल या 90 डिग्री पे ही निकलेंगे, इसलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब एक स्टूडेंट है वो कहता है सर एक बात बताओ कि ठीक है मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ, आप जरा मुझे कैलकुलेशन करके दिखाओ कैसे। कि वो कहता है कि देखो मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ठीक है जी वेक्टर दे दिया, पी वेक्टर दिया, इसका मैग्नीट्यूड पी है, लेंथ इसकी पी है, इसका मैग्नीट्यूड पी ले ले, इस वेक्टर का ये एंगल एक्स के साथ थीटा ले ले। तो उसने बोला ठीक है मैं मान गया आपकी बात कि एक कॉम्पोनेंट अगर ड्रॉ करना है वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो ये जो कॉम्पोनेंट आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, इसका नाम क्या है, पी एक्स वेक्टर, यही आएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब आपने यहां ड्रॉ किया, यहां जो कॉम्पोनेंट आएगा, यहां जो कॉम्पोनेंट आएगा इसका नाम क्या है, पी वाई वेक्टर आएगा। सही है, आप मुझे ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने कहा मैग्नीट्यूड क्या, इसका मैग्नीट्यूड पी एक्स होगा, वेक्टर हटा दे, मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है, पी एक्स है। नहीं, इसकी वैल्यू कहते हैं पी की फॉर्म में क्या होगी। तो मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक काम कर कॉस थीटा को लिख ले पी एक्स डिवाइडेड बाय पी, तो यहां से पी एक्स की वैल्यू बोलो क्या आ गई, पी कॉस थीटा आ गई। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू पी कॉस थीटा आ गई। उसने कहा पी वाई क्या होगा, तो मैंने कहा इसका जो मैग्नीट्यूड है वो पी वाई है, तो ये भी पी वाई ही होगा, ऑब्वियसली रेक्टेंगल है। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पी वाई डिवाइडेड बाय पी, तो पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, पी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? तो पी एक्स की वैल्यू पी कॉस थीटा, पी वाई की वैल्यू पी साइन थीटा, कोई डाउट? सही है। तो ये देखो इसमें बिल्कुल यही किया हुआ है आपके असाइनमेंट में, ये पी वेक्टर, ये थीटा, ये पी एक्स वेक्टर, ये पी वाई वेक्टर। पी एक्स की वैल्यू मैंने साइड पे निकाल के दिखा दी पी कॉस थीटा, पी वाई की वैल्यू साइड पे दिखाई पी साइन थीटा, और मैंने ये भी दिखाया कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं पी एक्स वेक्टर और पी वाई वेक्टर, और ये पी वेक्टर पी एक्स और पी वाई वेक्टर के साथ कैसे रिलेटेड है, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पी वेक्टर विल बी इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर। क्या स्टेप क्लियर है? तो पी वेक्टर रिजल्टेंट हो गया पी एक्स वेक्टर एंड पी वाई वेक्टर का, तो पी वेक्टर क्लियर है। अब वो कहता है कि काम करो सर इसमें वैल्यू पुट कर दो पी एक्स की। मैंने कहा क्या वैल्यू पुट करनी है, वो कहता है पी कॉस थीटा पुट कर दो ना। तो यहां पर पी कॉस थीटा अगर मैं पुट कर दूं और यहां पर पी साइन थीटा पुट कर दूं तो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि वेक्टर लगे हुए हैं, तो मुझे वैल्यू के साथ क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। कोई डाउट इसमें? तो वैल्यू डायरेक्शन दोनों देनी पड़ेगी। तो मैंने काम किया पी एक्स वेक्टर को वैल्यू दी पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि पी एक्स वेक्टर कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है। तो मैंने क्या लिख दिया, पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। और यहां पर पी वाई सीन पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं वैल्यू भी दे रहा हूं और डायरेक्शन दे रहा हूं, वैल्यू दे रहा हूं डायरेक्शन दे रहा हूं, अब सही है। तो मैं पी एक्स वेक्टर पी वाई वेक्टर की ये वैल्यू लिख सकता हूं। कोई डाउट इसमें? सही है यहां तक? अब एक और खड़ा हो गया स्टूडेंट, वो कहता है जी सर ये तो कमाल है, मतलब कि अब मैं लोगों को ये बताऊंगा पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इतनी लंबी लंबी, मतलब ये इतनी लंबी लाइनें लिखूंगा कैसे, ये तो बहुत इरिटेटिंग है। कोई छोटा मेथड बताओ। छोटे मेथड के लिए अब फिजिक्स और मैथ्स वालों ने एक शॉर्टकट मारा, वो कहते हैं इतना लंबा नहीं बोलना ना, तो एक रूल बनाते हैं, आपके पास कुल मिला के तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई एंड जेड, एक्स एक्सिस की लेंथ तो इनफाइनाइट है। इमेजिन करो एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है। तो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है उसके ऊपर कैप लगता है, उसका नाम है आई कैप। डिफाइन कर रहा हूं, आई कैप एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जिसकी वैल्यू वन है, यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जाता है, जे कैप।
जेड के अलोंग क्या लिखा जाता है, के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये स्टैंडर्ड है। इसका फायदा देखो क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, 1, ये भी क्लियर है। अब फायदा ये है, मान लो आज के बाद फिजिक्स में आपको मैंने दिया कि ए वेक्टर की वैल्यू 10 है और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर को 10 अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस आज के बाद मत लिखें, बहुत लंबा वर्ड है, लाइन लंबी है, इसकी जगह पीछे लिख दें आई कैप, क्योंकि आई कैप स्टैंडर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, तो पीछे आई कैप लगा दें, मैं समझ जाऊंगा अलोंग एक्स एक्सिस है। पर किसी ने पूछा था कि वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, अगर आप दोनों तरफ मॉड लें, इसकी वैल्यू ए, 10 की वैल्यू 10, आई कैप की वैल्यू 1, तो 10 × 1 = 10, तो यानी कि यूनिट वेक्टर पीछे लगने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो एक बड़ी कॉमन स्टेटमेंट है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, कोई डाउट इसमें, तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है। तो ये ए वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, उसी तरीके से अगर ए वेक्टर वाई के अलोंग हो तो या तो लिखें 10 अलोंग वाई एक्सिस या पीछे क्या लिख दें, जे कैप, मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ऐसी ए अलोंग जेड एक्सिस में क्या लिखेंगे, 10 के कैप, समझ में आ रहा है यहाँ तक। बैक टू द क्वेश्चन, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, पी वेक्टर पी कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, पी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा आई कैप, पी साइन थीटा जे कैप, समझ में आ रहा है। अब आपके अगर किसी बुक में ऐसा लिखा हो, पी वेक्टर इज पी कॉस थीटा आई कैप, पी साइन थीटा जे कैप, तो इसका मतलब ये समझ लेना, पी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट है पी कॉस थीटा जिसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस, और एक कॉम्पोनेंट पी साइन थीटा जिसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये रीडिंग समझ में आ रहा है, इसको रीड कैसे करना है, जैसे और बेटर करते हैं, जैसे पी वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i कैप + 4j कैप, तो आप क्या इमेजिन करेंगे, पी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट हैं, 3 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 अलोंग वाई एक्सिस, तो मैंने कहा कि चल इसकी इसका डायग्राम बना के दिखा, तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, 3 अलोंग एक्स एक्सिस, 4 अलोंग वाई एक्सिस, और ये रहा पी वेक्टर, 3 और 4 का रिजल्टेंट पी वेक्टर। फिर मैंने आपसे ये पूछना है कि ठीक है तूने पी वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, उसने कहा कर दिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू बोल क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये कितना है, 5, तो बी का पी की वैल्यू 5 है। तो आज के बाद आपको ना ये गिवन होगा कि ये पी वेक्टर मुझसे ले लो, 3i कैप 4j कैप, और इसका पी का मैग्नीट्यूड निकालो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी, तो अपने मन में क्या करेंगे, पी के दो कॉम्पोनेंट हैं, एक 3 और एक 4, पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, पी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आंसर आएगा, राइट। अगर कोई इतना भी नहीं करना चाहता, उसके लिए एक शॉर्टकट है मेरे पास, शॉर्टकट ये लिखा हुआ है थोड़ा नीचे, ये रहा। तो जैसे पी वेक्टर गिवन है 3i कैप + 4j कैप, मैंने आपको 3 का बता दिया कि डायग्राम, तो 3 और 4 और पी का मतलब √3² + 4² है, डन 5 है, मत करें ना डायग्राम बनाएं ना कॉम्पोनेंट की बात करें, एक शॉर्टकट मारें सीधा, इससे अच्छा शॉर्टकट है ही नहीं कोई, वो क्या, पी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है आज के बाद, आई का कोफिशेंट का स्क्वायर लें, जे के कोफिशेंट का स्क्वायर लें और अंडर रूट ले लें, आंसर 5 आएगा। डायग्राम क्या ड्रॉ करना है, इससे शॉर्टकट क्या होगा, पेन भी हाथ नहीं लगाना, आंसर आ गया। देखो जैसे p वेक्टर गिवन है 4i कैप + 7j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, p का अंडर रूट ऑफ 4² + 7² आंसर, सॉल्व कर लेना। डायग्राम बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि बनने तो 90° पे ही है, लगनी तो पाइथागोरस ही है, तो फर्क क्या पड़ता है, तो इससे अच्छा सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। जैसे अब 3D शुरू हो गई, अब ये 3D में मैं बना नहीं सकता, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस है, ये वैक्टर है, इसका एक कॉम्पोनेंट एक्स पे गिरेगा, एक वाई पे गिरेगा और एक जेड पे गिरेगा, बना नहीं रहा हूं पर 3D है, अगर ऐसा बनाएं तो 3 कॉम्पोनेंट बनेंगे। वो पूछेगा पी का मैग्नीट्यूड क्या है, वही सेम आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट आंसर। तो पी का मैग्नीट्यूड निकालना आ रहा है सबको शॉर्टकट में, जैसे पी वेक्टर आई कैप -2j कैप,
तो आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का, माइनस प्लस में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो होल स्क्वायर ही रहे, तो आंसर आंसर आ गया। जैसे पी वेक्टर ये रहा, पी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर, आंसर। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक। अब प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट ये सोचता है यहाँ तक तो ठीक है जी, समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया पी का, लिखना भी आ गया, पर वो ये अभी भी सोच रहा है कर क्यों रहे हैं ये, ज़रूरत क्या है? चलो वो तो बात समझ में आती है कि पैरेललोग्राम की तो बहुत ज़रूरत थी, दो वेक्टर का रिजल्टेड निकालने के लिए बहुत ज़रूरत थी, तो किसे निकाल दिया। इसकी इतनी ज़रूरत उस स्टूडेंट को लग नहीं रही अभी कि तोड़ने का मतलब क्या है, क्यों तोड़ा, ठीक तो था। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ इसको क्यों या कहाँ यूज़ किया जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले एक शॉर्टकट और बता दूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ये पी वेक्टर है, फिर से डायग्राम बना देता हूँ, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका पी वेक्टर है, पी वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी है, तो ये 90 डिग्री ये वेक्टर बना था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, पी एक्स है, और मैंने करके दिखाया था पी एक्स का मतलब क्या था, पी कॉस थीटा, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखना सिखाया था कितना, पी साइन थीटा। आपने कैसे निकाला था ये पी एक्स और पी वाई, मैंने कहा था देखो ये पी है, ये थीटा है, कॉस थीटा इज पी एक्स अपॉन पी, तो पी एक्स इज पी कॉस थीटा। आज के बाद कोई भी ऐसा ना करे, इसका भी शॉर्टकट है, कौन ड्रॉ करेगा ट्राइंगल, ट्राइंगल कॉस साइन, कुछ ना करे, आपको ये पी वेक्टर गिवन है, ये थीटा है, इंपॉर्टेंट है, पी का एक, पी के दो कंपोनेंट बनेंगे जिसकी वैल्यू एक तो होगी पी कॉस थीटा, एक होगी पी साइन थीटा, ये सबको पता है, या तो कॉस में होगी या साइन में होगी, जिसके साथ एंगल थीटा बना हुआ है, जिसके साथ एंगल थीटा बना हुआ है वो कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस का ही होगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन का ही होगा। तो पी वेक्टर ये रहा, या पी ये रहा, थीटा ये रहा, थीटा इसके साथ बना हुआ है तो ये कंपोनेंट हमेशा कॉस का, और जिसके साथ नहीं बना हुआ या इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन का। जैसे मैं फिर से करके दिखाता हूँ, मान लो ये आपके सामने वी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, तो और मान लो ये 30 डिग्री है और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ, बोलो वैल्यू क्या आएगी, 10 cos 30, देखो वैल्यू 10 cos 30, 10 sin 30 तो आएगी, जिसके साथ एंगल 30 बना हुआ है वो कंपोनेंट कॉस का, तो ये वाला कंपोनेंट ऑटोमेटिकली साइन का, तो कोई ट्राइंगल नहीं बनाना, कोई कॉस नहीं, कोई साइन नहीं, सीधा बस कंपोनेंट बना के आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो आपको ये मैंने एक फोर्स वेक्टर दे दिया 10 न्यूटन, इस फोर्स वेक्टर ने इसके साथ एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट बोलो क्या बनेगा, 10 cos 60, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, 10 sin 60। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आपको एक इसमें कुछ क्वेश्चंस देगा वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, ये हमने कर लिया। जैसे वो क्वेश्चन में ये देगा, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये बन गया, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्या, ये कहाँ यूज होनी है?
मान लो आपने एक रॉकेट को फायर किया टेढ़ा एट एन एंगल ऑफ 60। मेरा एक क्वेश्चन है, रॉकेट कैसे जाएगा? आगे जाएगा, आगे जाएगा, ऊपर और नीचे भी जाएगा। साइमल्टेनियसली रॉकेट एक्स के अलोंग भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, और साइमल्टेनियसली ऊपर भी आ रहा है और फिर नीचे भी आ रहा है। तो इसके साइमल्टेनियसली दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। इसको बोलते हैं मोशन अलोंग 1D नहीं 2D, या फिर मोशन इन अ प्लेन। ये देखो ये एक्स वाई प्लेन है, देख रहे हो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये मोशन इन अ प्लेन है। तो अगले चैप्टर का नाम क्या है इसके बाद? मोशन इन अ प्लेन, यानी कि मोशन इन 2D, जिसमें एक्स और वाई दोनों मूव करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ वेक्टर? तो उसमें ये कहा जाएगा कि आपने एक रॉकेट को फायर किया विद वेलोसिटी ऑफ 10 टेढ़ा, तो कौन सी और ये इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से वो एक्स के अलोंग मूव किया? तो आपने इसका कॉम्पोनेंट बता देना है, 10 cos 60। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से ये ऊपर गया? 10 sin 60। तो आ गया ना आंसर एक्स और वाई का। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देने हैं। जैसे सपोज अ बॉडी इज पुल्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 N, एक बॉडी को खींचा जा रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 N, एंगल कितना है 30। अब वो कह रहा है फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो कौन सी फोर्स एक्स के अलोंग एक्ट कर रही है? तो 10 cos 30। कौन सी वाई के अलोंग काम कर रही है? 10 sin 30। आंसर दो फोर्सेस है, सही है यहां तक?